मैं इसका कंपैरिजन यानी स्पेक स्पेस कंपैरिजन इसी वीडियो में Realme पैड से करने वाला हूँ। लगभग सभी का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और लोग अक्सर मोबाइल पे ही काम करते नजर आते हैं। वेल, अगर मोबाइल पे काम करते हुए बोर हो चुके हैं तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपकी बोरियत खत्म होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं केशव खेरा और मैं लेके आया हूँ मोटो का नया टैब। और इस वीडियो में आपको आज मैं इसका फर्स्ट इंप्रेशन दिखाने वाला हूँ। मोटो ने भारतीय बाजार में अपना ये नया टैब लॉन्च कर दिया है जो कि वाईफाई प्लस LTE ऑप्शन के साथ आता है। इसका नाम है मोटो G70 LTE। तो चलिए बिना किसी देर के इसके फीचर्स जानते हैं और जानते हैं कि इस टैब में आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपकी वर्क फ्रॉम होम में काफ़ी काम आने वाले हैं। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टैबलेट के फर्स्ट इंप्रेशन से। और फर्स्ट इंप्रेशन में हम सबसे पहले नजर डालेंगे इसके बैक पैनल पर। यहाँ पे देख सकते हैं कि बेहद ही शानदार डिजाइन कंपनी ने पेश किया है। सिर्फ 490 ग्राम जिसका वेट है और इसकी जो थिकनेस है वो 7.5 mm यानी 7.5 mm की थिकनेस है। काफ़ी लाइट है, स्लीक है, लाइट वेट है। और जब आप इसको हाथ में उठाएंगे, जब अपने टास्क को कर रहे होंगे तो आपको ये बहुत हैवी नहीं लगेगा। इजिली दिन भर आप इसको पकड़ के अपना कोई भी ऑफिस का काम हो, अपना वीडियो स्ट्रीमिंग हो, आसानी से कर पाएंगे। आपको बता दूं कि टैबलेट जो है देखने में काफ़ी शानदार लगता है क्योंकि पैनल, बैक पैनल जो देख सकते हैं वो मेटल फिनिश का है। मोटो का लोगो लगा हुआ है, डॉल्बी एटमॉस यहाँ पे ब्रांडिंग दी गई है। इधर आपको थोड़ा मैट फिनिश मिलता है विद रगेड टेक्सचर बैक पैनल। और इस स्टिकर को हम निकाल देते हैं तो लुक देखने में आपको काफ़ी शानदार लगेगी। नीचे अगर हम पोर्ट्स देखें तो यहाँ पे आपको 1-2 स्पीकर और यहाँ पे टाइप सी पोर्ट, इधर भी देखिए 1-2 स्पीकर। तो 4 स्पीकर इस टैबलेट में आपको मिल जाते हैं, यानी जब वीडियो आप देखेंगे तो चारों तरफ से बेहतरीन साउंड आउटपुट आपको मिलने वाला है। बाकी इधर आप देखिए, इधर आपको सिम ट्रे मिल जाती है, माइक दिए गए हैं, वॉल्यूम लॉकर की है, ऊपर पावर बटन मिल जाता है, इस तरफ आपको मैग्नेटिक क्लैंप मिल जाते हैं ताकि आप इसको कीबोर्ड पे लगा सकें। जी हाँ, आप इसको कीबोर्ड पे लगा सकते हैं। हालांकि मोटो कीबोर्ड ऑफर नहीं कर रहा, लेनोवो कीबोर्ड आपको मिल जाते हैं, आप इसका कंपैटिबल कीबोर्ड खरीद के उसे लगा सकते हैं। मार्केट में जाइए, आपको इसका कंपैटिबल कीबोर्ड मिल जाएगा और आप इसको फिर एक लैपटॉप के फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो टैबलेट कम लैपटॉप चाह रहे थे, उनकी भी यहाँ पे क्वेरी जो है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है वो सॉल्व हो जाएगी क्योंकि मोटो ये जो नया टैब लेके आई है ये काफ़ी कम कीमत में पेश किया जा रहा है। जी हाँ, कम कीमत में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस प्राइस रेंज में दूसरी कंपनीज भी टैबलेट लेके आई हैं पर उनमें इसके मुकाबले आपको थोड़े से जो फीचर्स हैं वो ज़्यादा एडवांस देखने को नहीं मिलेंगे। मोटो में थोड़े ज़्यादा एडवांस फीचर हैं, क्यों वो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं इसका कंपैरिजन यानी स्पेक स्पेस कंपैरिजन इसी वीडियो में Realme पैड के साथ करने वाला हूँ। पर मैं पहले इसके फीचर्स से आपको रूबरू करा दूँ। सबसे पहले मैं इसके स्क्रीन साइज़ की बात बता दूँ आपको कि इस टैबलेट का स्क्रीन साइज़ जो है वो 11 इंच का है। 11 इंच के स्क्रीन साइज वाला ये टैबलेट आता है जिसमें आपको IPS LCD टेक्नोलॉजी मिल जाती है और फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ कंपनी ने इसे पेश किया है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको एक बार डिस्प्ले खोल के थोड़ी बहुत सेटिंग दिखा दूँ इसकी, आपको पहले वाइट स्क्रीन पे इसका डिस्प्ले दिखाता हूँ। देखिए पूरी तरह से बेहतरीन लुक के साथ पेश किया है। बेजल्स बड़े हैं, टैबलेट के बेजल्स फिलहाल अभी बड़े ही आते हैं, बहुत ही कम टैबलेट्स मिलेंगे जो कि इससे स्लीक बेजल के साथ आपको मिलेंगे, लेकिन इसका बेजल भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। आपको काफ़ी अच्छा ओवरऑल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। 10-point मल्टी टच डिस्प्ले है और 400 nits की इसमें ब्राइटनेस दी गई है। इसके साथ TUV सर्टिफाइड है, यानी ज़्यादा देर तक आप इस पर काम करेंगे तो ब्लू लाइट की वजह से आपकी आँखों को दर्द नहीं पहुँचेगा और इसमें आप नेटफ्लिक्स और अमेजोन HD कॉन्टेंट में देख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपको क्वाड स्पीकर मिल जाते हैं तो जब अपने कोई भी कंटेंट को प्रीव्यू करेंगे आपको इसमें शानदार एक्सपीरियंस ही मिलने वाला है। वहीं अगर हम इसके एक बार अबाउट मी सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोटो G70 LTE ही लिखा है, एंड्रॉइड 11 आपके सामने है। और यहाँ पे आपको बता दूं कि इस टैब में आपको मीडियाटेक का हीलियो G90T चिपसेट मिलता है तो गेमिंग भी खेलेंगे तो भी आपको ये टैबलेट जरूर पसंद आने वाला है। परफॉर्मेंस में बहुत ही पावरफुल रहने वाली क्योंकि G90T चिपसेट काफ़ी शानदार है जिसमें आप गेमिंग भी खेल सकते हैं और डे टू डे लाइफ में भी ये आपको परेशान नहीं करे, इस बात की भी कंपनी ने पूरी गारंटी ली है। और गारंटी ऐसे ली है कि कंपनी इसमें आपको 4GB रैम से 64GB की इंटरनल स्टोरेज मुहैया करवा के दे रही है। वेल, टैबलेट्स में आप देख सकते हैं कि इतनी रैम और इतनी स्टोरेज आती है। अगर हम Realme पैड की बात करेंगे तो उसमें 6GB की रैम दी गई थी, लेकिन अगर हम मोटो की बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी आपको 4GB दे रही है। बट अगर हम कुछ और टैबलेट्स की बात करेंगे जैसे कि सैमसंग या फिर एप्पल की बात करेंगे तो उनमें शायद आपको इतनी रैम नहीं मिलेगी। मोटो आपको बहुत अच्छे फीचर्स मुहैया करवा के दे रही है अपने इस टैबलेट में। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको बता दूँ कि इसमें 7700 mAh की बैटरी मिलती है जो कि Realme पैड के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा है और
चार्जिंग स्पीड की बात करें तो 20 वॉट की चार्जिंग स्पीड मिल जाती है, जो कि रियलमी पैड से फिर से थोड़ी ज़्यादा है। और कीमत इस टैबलेट की है 21,999 रुपये। और आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊँ, कंपनी ने क्लेम किया है कि जब भी एंड्रॉयड 12 मार्केट में आएगा तो आप इसको एंड्रॉयड 12 पे अपग्रेड भी कर पाएंगे। तो आपने इसकी इंटरनल फीचर्स लगभग सभी जान लिए अच्छे से। अब थोड़ा कैमरा भी देख लीजिए, क्योंकि टैबलेट्स में लोग कैमरा भी आजकल प्रेफर करने लगे हैं, वीडियो कॉल्स करनी होती है, थोड़ी बहुत फोटोग्राफी कर लेते हैं। तो यहाँ पे कैमरा सेक्शन हम देख लेते हैं। आपको बता दूं कि 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिल जाता है इसमें। एक छोटी सी फोटोग्राफी करके दिखाता हूँ। शटर स्पीड देखिए, शटर स्पीड थोड़ी स्लो है, पर क्वालिटी टैबलेट के हिसाब से डिसेंट है। बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं कहेंगे, 13 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन है, बहुत धांसू कैमरा नहीं है, बट एवरेज है, जो कि आपको टैबलेट के हिसाब से ठीक लगेगा। इसके कैमरा में सेटिंग में जाके जरा हम देख लेते हैं क्या क्या फीचर मिल जाते हैं। तो ये कैमरा सेटिंग देख सकते हैं, वीडियो क्वालिटी फ्रंट कैमरा की 1080p तक का ऑप्शन है, रियर कैमरा की भी 1080p तक ऑप्शन आपको मिल जाता है, और पोर्ट्रेट का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो फीचर्स बहुत ज़्यादा लोडेड नहीं है इसके अंदर, बेसिक कैमरा दिया गया है ताकि आप बेसिक काम कर सकें जो आपको करना है टैबलेट से। और इसके साथ साथ फ्रंट कैमरा जो है इसमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। इस तरफ फ्रंट कैमरा दिया गया, इसका आपको थोड़ा सा उल्टा दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। तो एक लैपटॉप के तौर पे यूज़ कर पाएं इसके ऐसा कैमरा इसमें दिया गया है। हालांकि फ्रंट कैमरा मुझे इतना इंप्रेसिव नहीं लगा, बट आप टैबलेट से इससे आपकी उम्मीद रख भी नहीं सकते। टैबलेट बेसिकली लैपटॉप का थोड़ा सा छोटा वर्जन है, मतलब कह सकते हैं कि मिनी लैपटॉप है, क्योंकि लैपटॉप बड़ा होता है, निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है, कुछ लैपटॉप होते हैं डिटैचेबल होते हैं, ये काइंड ऑफ फ़ोन और लैपटॉप के बीच की चीज़ है। तो कैमरा बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट 8 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको डिसेंट पिक्चर क्वालिटी और वीडियो कॉलिंग के लिए एक डिसेंट कैमरा मिल जाता है। अब आ जाती है यहाँ पे रियलमी से कंपेयर करने की, तो मैं साइड बाय साइड आपको स्पेक्स दिखाता हूँ रियलमी और मोटो G70 LTE टैबलेट के। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्प्ले की बात करें तो रियलमी में आप देख सकते हैं कि आपको 10.4 इंच का LCD डिस्प्ले मिलता है, जबकि मोटो के इस टैबलेट में आपको 11 इंच का IPS LCD डिस्प्ले मुहैया करवाया जा रहा है। दोनों में आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन मिलता है। इसके साथ साथ प्रोसेसर की बात की जाए तो रियलमी में आपको मिलता है मीडियाटेक का हीलियो G80 चिपसेट, जबकि अगर हम बात करेंगे मोटोरोला की तो इसमें आपको मिलता है मीडियाटेक का G90T चिपसेट। तो परफॉर्मेंस वाइज मोटो आपको ज़्यादा स्ट्रांग मिलेगा, ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस में आपको मिल जाएगी। रैम स्टोरेज की बात की जाए तो रियलमी के डिवाइस में, रियलमी के पैड में आपको 6GB रैम तक का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन इसमें हाईएस्ट 4GB रैम है विद 64GB, जबकि रियलमी में आपको 128GB का ऑप्शन भी मिल जाता है। अब यहाँ पे जरा बात आ रही है रैम स्टोरेज की, तो मैं आपको एक बार सिम ट्रे खोल के दिखा देता हूँ, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि मोटो के स्टैप में कैसी सिम ट्रे आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेमोरी कार्ड का ऑप्शन भी है, और आपको यहाँ पे दो सिम कार्ड डालने का ऑप्शन बेसिकली मिल जाता है, हाइब्रिड सिम स्लॉट है, दो सिम कार्ड डालिए या फिर एक मेमोरी कार्ड और एक सिम स्लॉट डाल सकते हैं। तो ये मोटो के टैबलेट में अच्छी बात है। और अगर आगे बढ़ते हुए हम दूसरे स्पेक्स पर बात करेंगे रियलमी के मुकाबले, तो मोटो के इस टैबलेट में आपको 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है, जबकि रियलमी में 8 मेगापिक्सल कैमरा है। फ्रंट कैमरा दोनों में 8 मेगापिक्सल है, दोनों में क्वाड स्पीकर मिल जाते हैं। चार्जिंग स्पीड मैं आपको बता चुका हूँ कि मोटो में बेटर है, 20 वॉट की चार्जिंग स्पीड मिलती है, रियलमी में 18 वॉट की दी गई है। अगर हम बात करें मोटो की बैटरी की, तो मोटो में बैटरी रियलमी के मुकाबले ज़्यादा है, 7700 mAh की बैटरी मिलती है मोटो में, और रियलमी में 7100 mAh की बैटरी दी गई है। प्राइसिंग की बात कर सकते हैं, प्राइसिंग से पहले मैं आपको बता दूँगी, मोटो ने कंफर्म किया है कि इसमें आपको एंड्रॉयड 12 तक का अपडेट मिल जाएगा, जबकि रियलमी ने ऐसा कोई दावा नहीं किया। हालांकि प्राइसिंग इसकी रियलमी से थोड़ी ज़्यादा, अगर रियलमी का टॉप वेरिएंट देखेंगे तो उसकी कीमत है 19,999 रुपये, लेकिन मोटो के टैबलेट कीमत है 21,999 रुपये। तो प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन आप ये देखिए उस थोड़ी भी ज़्यादा प्राइसिंग में आपको काफ़ी कुछ अच्छा मिल रहा है, आपको नीट और क्लीन सॉफ्टवेयर मिल जा रहा है, आपको एक अपग्रेडेबल सॉफ्टवेयर मिल रहा है, लुक काफ़ी शानदार, लुक दोनों की अच्छी है, लेकिन इसके अंदर आपको थोड़े बेटर फीचर मिल रहे हैं, बेटर प्रोसेसर मिल रहा है, बेटर बैटरी मिल रही है, बेटर कैमरा मिल रहा है। तो उस केस में आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आप मोटो के इस टैब को खरीदेंगे या फिर आप रियलमी टैब की ओर जाना चाहेंगे। बहुत दिन से लोग मुझसे पूछते थे कोई नया टैब बताओ, तो आज मैं आपके लिए दो टैब का एक ऑप्शन लेके आ चुका हूँ, एक रियलमी टैब आपके पास और अब एक मोटो टैब भी अवेलेबल हो चुका है। प्लीज़ मेरे कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको कौन सा टैब पसंद है और आप किसकी ओर जाना चाहेंगे। और हमेशा की तरह ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।